ये निडल लेस को बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का थ्रेड लिया है और ये मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। बहुत इजी डिजाइन है और इसमें मैं क्रिस्टल या पर्ल यूज करूंगी। तो सबसे पहले आपको इस तरह से टू स्ट्रैंड्स लेने हैं और नॉटलेस टेक्निक से अटैच करना है थ्रेड को। तो ये हमारी एज है, दूसरा ये लूप में से इस तरह से डालते हुए नॉट लगानी है। ये थ्रेड अटैच हो गया। थ्रेड अटैच करने के बाद हमें यहाँ पर डायरेक्टली कोई फाउंडेशन रो या बेसलाइन नहीं बनानी है। वन फिंगर का गैप रखते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए लूप बना देंगे। इसमें फिंगर इंसर्ट करके आप इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको डबल करना है और ये सेम स्पेस में यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए। इसके ऊपर इस तरह से लेते हुए दोनों को इक्वल बनाएंगे लूप को। अब ये टू लूप्स के ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। जितनी भी साइज होगी उसके अकॉर्डिंगली अब बटन होल स्टिचेस बनाते जाएं इसके ऊपर। इस तरह से रखते हुए दोनों लूप को साथ में लेंगे और बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। फोर्टीन बटन होल स्टिचेस मैंने बनाया है। अब इसे राइट साइड में लूप रखते हुए यहाँ के इसके बेस में जहाँ तक इसकी साइज जा रही है वहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद हमें टू सिंगल स्टिचेस बनाना है, स्मॉल सिंगल स्टिचेस बना रहे हैं। नेक्स्ट रो में इसके ऊपर हम बीट्स लगाएंगे। तो ये टू स्टिचेस बना दिए। अब फिर से यही रिपीट करना है। वन फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर हमें लूप बनाना है और लूप को डबल करना है और उसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाना है। जितने फर्स्ट लूप में बनाए थे उतने ही सेकंड में बनाना है। सेम यही करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये इसे डबल करेंगे। सेम स्पेस में मैं जा रही हूँ जहाँ पर ये अटैच है ये लूप, इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए इस तरह से। अब इसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाएंगे और टू सिंगल स्टिचेस बनाएंगे। जिस तरह से यहां से हमने जो स्टार्ट किया है सेम रिपीट करेंगे। ये फिर से वही लूप आ गया है। सेम रिपीट करेंगे और टू स्टिचेस बनाते रहेंगे। हर लूप के बीच में टू स्टिचेस बनाएंगे, फिर सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहाँ पर हमारा लूप अटैच है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर हम न्यू थ्रेड अटैच करेंगे और इसके ऊपर हम न्यू लेयर बनाएंगे। बटन होल स्टिचेस बनाने हैं, सारे लूप को एक साथ लेते हुए बनाएंगे।
इसके ऊपर मैंने 17 बटन होल स्टिचेस बना दिए। अब इसे भी यहीं पर अटैच कर देंगे जहां पर पहले वाला अटैचमेंट है। इसे इस तरह से अटैच करने के बाद एक क्रिस्टल या पर्ल ऐड करेंगे। अटैच करने के फौरन बाद मैंने एक क्रिस्टल ऐड किया और ये स्पेस है जो स्टार्टिंग की 1 स्पेस है और ये 2 स्पेस है, तो 1 को स्किप करेंगे, 2 स्पेस में मतलब सेकंड स्पेस में हम जाएंगे और ये क्रिस्टल को अटैच कर देंगे। तो ये डबल शेल की डिजाइन बनेगी और इसके बीच में एक एक क्रिस्टल ऐड होते जाएगा। तो इसी तरह से अब कंटिन्यू करेंगे, सेम यहाँ पर इसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाते जाएंगे, फर्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में क्रिस्टल को ऐड करेंगे। तो शेल और ये ब्यूटीफुल शेल रहेगा थिक और बीच में एक एक क्रिस्टल की डिजाइन इस तरह से कंप्लीट करेंगे।